अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था, जिसमें ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर रहे थे और उसके ऊपर हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, परचेज एसेट्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, मतलब ये है कि हम एसेट्स को परचेज करेंगे कैश बेसिस पर भी और क्रेडिट बेसिस पर भी, और फिर हम उसमें ये चीज़ वेरीफाई करेंगे, ये चीज़ चेक करेंगे कि जब भी हम एसेट, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो क्रेडिट पे हो, जब हम उसको खरीदते हैं परचेज करते हैं, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन सारी मैंशन कर दी हुई है, तो इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस टेबल के अंदर, और उसमें ये टेबल बना दिया गया है जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की प्रैक्टिस करेंगे पांचों ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अगेन रिव्यू करवा देता हूँ कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है। कैश ट्रांजैक्शन बेसिकली ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें जब भी हम कोई भी लेन देन करते हैं, उसी वक्त हम उसकी ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट अदा कर देते हैं या पेमेंट वसूल कर लेते हैं, वो कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर होती है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उस वक्त उसकी पेमेंट उसी वक्त वसूल नहीं की जाती ना अदा की जाती, बल्कि फ्यूचर में प्रॉमिस कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर पर डेट फिक्स कर दी जाती है कि मैं तब आपको पेमेंट कर दूंगा या आपसे पेमेंट वसूल करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करें, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास परचेज एसेट ऑन कैश प्लस क्रेडिट में परचेज फर्नीचर ₹50,000 ऑन कैश। अब सबसे पहले तो आपको वो रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैश ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलेगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलेगा। मैंने आपको कुछ रूल्स पहले भी पढ़ाए थे, कैश ट्रांजैक्शन के 2 रूल्स पढ़ाए थे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के भी 2 रूल्स पढ़ाए थे। तो सबसे पहले जो कैश ट्रांजैक्शन का रूल था उसमें यह था कि कैश का लफ्ज मेंशन होगा, द वर्ड कैश विल बी द मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, कि कैश का जो वर्ड है वो लफ्ज मेंशन किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब जैसा कि इस ट्रांजैक्शन में लिखा गया है परचेज फर्नीचर ₹50,000 ऑन कैश। अब ये जो ऑन कैश, इसका मतलब ये है कि ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक हो गया। अब हमने इसको इस टेबल के अंदर पुट करना है अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यूज करते हुए। तो सबसे पहले आपको ये भी चीज बताई गई थी कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट होते हैं, क्योंकि हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते थे तो आपको हमेशा बताया था कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते तो वो बिजनेस का एसेट होता है, तो हम उसको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। और अब आपने जो चीज परचेज की है वो आपका एसेट है, जैसे कि इस पीस का नाम क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर आपने फर्नीचर परचेज किया, इट मींस फर्नीचर आपका एसेट है, और ऑन कैश बेसिस पे परचेज किया तो दूसरा अकाउंट भी आपका एसेट है जो कि कैश है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्नीचर में जो है वो इजाफा होगा और कैश में क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले तो इसमें 2 टाइटल ऑफ अकाउंट फाइंड आउट करने हैं जो हमारे पास दिए गए। अब जैसे कि ये टेबल बनाया गया, इसमें सबसे पहले टाइटल ऑफ अकाउंट्स मेंशन किए जाएंगे, नेचर ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट, रीजन और अमाउंट, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 अकाउंट्स देखेंगे। हमारा पहला अकाउंट जो है वो है फर्नीचर और दूसरा अकाउंट हमारे पास है कैश। अब यहां पे हम सबसे पहले अपना अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैश अकाउंट। अब हमने ये देखना है कि इसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब मैंने आपको वो 5 पिलर्स अकाउंटिंग के बताए थे, जो एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो हमें ये देखना है ये किस से कंसर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली फर्नीचर भी और कैश दोनों बिजनेस के क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स का हमारे पास रूल देखना, देखेंगे कि डेबिट एसेट्स कब होते हैं और करंट कब होते हैं। तो एसेट जब भी बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, यानी प्लस जब भी किए जाते हैं तो वो इंक्रीज को शो करते हैं, तो वो हमेशा डेबिट होंगे, और जब भी डिक्रीज होंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होंगे। अब हमने इसमें फर्नीचर को परचेज किया, इसका मतलब क्या हुआ, फर्नीचर में इंक्रीज आ रहा है इसलिए हम इसको प्लस करेंगे, और इसके बदले में हम अदा क्या कर रहे हैं, कैश अदा कर रहे हैं, इसका मतलब कैश में क्या होगी, कमी। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो एसेट इंक्रीज हो रहा होगा उसको हम डेबिट कंसिडर करेंगे। क्यों, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये इंक्रीज इन एसेट,
कि एसेट्स में अजाफा हो रहा है, इस वजह से हमने इसको डेबिट कर दिया। और कैश जो कि भी, वो भी हमारा एसेट है। अब वो जब ये फर्नीचर परचेज करते हैं कैश बेसिस पे, तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज इन एसेट आपका क्या होता है? करेक्ट। तो रीजन क्या है? डिक्रीज इन एसेट्स। और कितने का एसेट था? 50,000 रुपीज का। और अमाउंट कॉलम में हम 50,000 मेंशन। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन जिसमें हमने एसेट्स को परचेज किया कैश बेसिस पे, और उसके अंदर दो टाइटल ऑफ अकाउंट्स थे, फर्नीचर जो चीज खरीदी गई और उसके बदले में क्या दिया? कैश। दोनों के दोनों ही आपके एसेट थे। एक एसेट डेबिट हो गया क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा था रूल के अकॉर्डिंग, एक एसेट क्रेडिट हो गया क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था, और टोटल अमाउंट कितनी थी? डबल एंट्री सिस्टम के तहत 50,000 50,000 दोनों अमाउंट सेम हो। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। परचेज इक्विपमेंट रुपीज 10,000, परचेज इक्विपमेंट रुपीज 10,000। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हर वो चीज जो बिजनेस में आप परचेज कर रहे होते हो वो बिजनेस के एसेट्स होते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया, इक्विपमेंट का मतलब होता है साजो सामान। आपने बिजनेस के लिए कोई साजो सामान परचेज किया है 10,000 रुपए का। अब हमने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है, क्या ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब हम फिर रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल ये कहता है कैश ट्रांजेक्शन का कि लफ्ज कैश होना चाहिए, लेकिन इसमें कैश का लफ्ज नहीं है। ओके, फिर रूल ये कहता है कि अगर कैश का लफ्ज नहीं है तो फिर बेचने वाले और खरीदने वाले का नाम नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि हम किस से चीजें खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें ये नहीं पता चल रहा, सप्लायर का नेम भी नहीं आया, तब भी ये कैश ट्रांजेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कैश का लफ्ज हो तब भी कैश ट्रांजेक्शन, अगर कैश का लफ्ज ना हो तो बेचने वाले और खरीदने वाले का नाम मेंशन नहीं होना चाहिए, तब भी ये कैश ट्रांजेक्शन ही कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास एक, याद रखिएगा, एक एसेट है हमारे पास इक्विपमेंट, क्योंकि जब आप परचेज कर रहे हैं तो इट मींस इसमें क्या हो रहा है? आपका अजाफा हो रहा है। ऑब्वियसली ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कैश ही कंसिडर होगी। तो हमारे पास, हमने इक्विपमेंट को परचेज किया है तो इक्विपमेंट भी हमारा बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इसके ऑपोजिट हमने कैश को अदा किया है तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी दो अकाउंट है जिसका नाम है, एक तो हमारे पास इक्विपमेंट आ जाएगा और दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट। इक्विपमेंट की नेचर क्या है? एसेट्स। क्यों? क्योंकि हर वो चीज जो आप परचेज करते हैं वो बिजनेस का एसेट्स होती है, और कैश भी आपका एसेट्स। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा एसेट डेबिट हो रहा है, कौन सा एसेट क्रेडिट हो रहा है। रूल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट होगा। अब इक्विपमेंट को आप परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम करेंगे डेबिट। रीजन, इंक्रीज इन एसेट्स। और उसके बदले में आप कैश अदा कर रहे हैं, तो कैश जब अदा कर रहे हैं तो ये आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम करेंगे क्रेडिट। रीजंस, डिक्रीज इन एसेट्स। और उसके बाद कितने का एसेट्स है? 10,000। ठीक हो गया। तो ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन थी, अकॉर्डिंग और इस ट्रांजैक्शन पे हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई कर दिया। नंबर थ्री ट्रांजैक्शन, परचेज मशीन रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने मशीन को परचेज किया, जब भी मशीन परचेज, मतलब जो भी चीज परचेज करें, अगेन वही चीज बार बार रिपीट करूं कि जो भी चीज आप परचेज करें वो आपका एसेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एसेट आपके पास न्यू कौन सा आ गया? मशीन। और इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज प्लस हो रहा है, और लिखा जा रहा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार पे, कि आपने जब भी ये एसेट खरीदा उस वक्त उसकी पेमेंट अदा नहीं की, चीज आपने परचेज कर ली लेकिन फ्यूचर में प्रॉमिस किया मैं बाद में पेमेंट करूंगा। क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एक रूल ये है के लफ्स ऑन क्रेडिट या ऑन क्रेडिट अकाउंट हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, तो ये ऑन क्रेडिट का लफ्ज आ गया, इसका मतलब आपने जिससे भी चीजें खरीदी हैं उसको भी पैसे अदा नहीं किए, अब अकाउंटिंग में वो पर्सन आपका क्रेडिटर बन गया।
क्रेडिटर उस पर्सन को कहा जाता है जिससे आप उधार पे चीजें खरीदते हैं, यानी आपका सप्लायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे भी दो अकाउंट है। अब एक तो हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा जब भी आप उधार पे चीजें खरीदते हैं तो याद रखिएगा उसमें आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? आपने जो उधार पे चीजें खरीदी है उसके पैसे भी देने हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन गई कि इन फ्यूचर ये अब आपको उसको पेमेंट भी लाजमी करेंगे। ठीक हो गया। तो अब यहां पे जो दो अकाउंट हमारे पास आ गए हैं, एक तो हमारे पास मशीन अकाउंट एंड द सेकंड वन इज ऑन क्रेडिट, का मतलब उधार। तो मैंने कहा यहां पे उस बंदे से जिससे आपने चीजें खरीदी है उधार, उसका नाम लिखेंगे यहां पे, लेकिन नाम मेंशन नहीं है, तो फिर आप अकाउंटिंग में उस पर्सन को क्रेडिटर बोलते हैं। अकाउंट पेबल भी कहा जाता है और क्रेडिटर्स भी कहा जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। और मशीन आपका एसेट्स है, क्योंकि चीज जो भी खरीदी वो आपके एसेट्स है, और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि ये आपके ऊपर ड्यू है, ये आपके ऊपर पेंडिंग है, ये पैसे अभी आपने अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने रूल को इंप्लीमेंट करना है कि डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। अब आपके पास मशीन जो आपका एसेट है वो आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। इंक्रीज इन एसेट्स। और जो लायबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि जब भी लायबिलिटी में इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्रेडिट होती है, और जब भी लायबिलिटी में कमी होती है तो वो डेबिट होती है। अब यहां पे हमारे पास लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। आपने हमेशा रूल्स को लाजमी याद रखना, जब तक आप रूल्स याद नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटी। और आगे नेक्स्ट उसकी अमाउंट लिख देंगे 30,000। तो ये सारी जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी ये कैश बेसिस पे थी। अब जो नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन आ गई ये क्रेडिट बेसिस पे आ गई, यानी कि जो डेबिट में अकाउंट था वो आपका एसेट था, क्रेडिट में जब कैश पे होता तो कैश लिखेंगे, जब उधार पे लिखेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, या उस पर्सन का अगर नाम मेंशन होगा तो नाम मेंशन करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज बिल्डिंग रुपीज 60,000 फ्रॉम मिस्टर ए। हमने बिल्डिंग परचेज की है मिस्टर ए से। ओके, जो भी चीज आप खरीद रहे हैं दैट विल बी द एसेट, वो एसेट होगा और वो इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे ये देखना है क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी नाम आ जाएगा किसी भी पर्सन का, पहले तो अपने लफ्ज देखना कैश है नहीं है, फिर देखना है कि बेचने वाले खरीदने वाले का नाम है बिल्कुल है, तो जब भी नाम मेंशन हो जाएगा तो वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? क्रेडिट, यानी उधार की ट्रांजैक्शन, यानी आपने मिस्टर ए से बिल्डिंग खरीदी है लेकिन अभी आप उसको पैसे नहीं दिए, जैसे कि हमने पिछले ट्रांजैक्शन में मशीन, जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्रांजैक्शन में बताया था कि आपने ऑन क्रेडिट का लफ्ज आ गया था, लेकिन यहां पे मिस्टर ए का लफ्ज आ गया, यानी कि आपने उस पर्सन का रियल नेम आ गया, इसलिए आपने उसका रियल नेम मेंशन करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें ट्रांजैक्शन में लिखा गया इफेक्ट कि आपने बिल्डिंग परचेज की एसेट और मिस्टर ए क्यों लिखा गया, रीजन क्यों, पीछे क्रेडिटर लिखा था, यहाँ पे बेसिकली नाम नहीं मेंशन था। यहाँ पे जब नाम मेंशन ना हो तो अकाउंटिंग में हम क्रेडिटर लफ्ज लिखते हैं, लेकिन जब ये भी क्रेडिटर ही है लेकिन जब उसका नाम दिया जाए तो रियल नेम लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग आपका एसेट है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए से हम डेबिट कर रहे हैं, और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती है, साथ ही हम उसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है कि परचेज प्लांट रुपीज 20,000 फ्रॉम मिस्टर बी ऑन कैश, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लफ्ज भी आ जाए और बेचने वाले का नाम भी आ जाए, तो ये हमेशा कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी, यानी कैश का लफ्ज उस बी के नाम को कैंसिल कर देता है, जायल कर देता है। तो हमेशा याद रखना, अगर नाम भी आ जाता है तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करना है, उसके साथ कैश का लफ्ज आना कंपलसरी। अगर कैश का लफ्ज आ गया तो वो भी हमेशा हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी, ना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आपने प्लांट परचेज किया है, प्लांट अकाउंट, और यहां पे मिस्टर बी नहीं बल्कि कैश अकाउंट मेंशन करेंगे। ठीक है, और प्लांट आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। अब ये एसेट इंक्रीज हो रहा है,
तो इसको हम डेबिट करेंगे, ये एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट, और अमाउंट हमारे पास कितनी है 20,000। तो इस तरीके से ये हमारी तमाम ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शन लिखी थी कि एसेट को हम परचेज करेंगे कैश पे और क्रेडिट पे, और उसको हमने एनालिसिस किया हम ट्रांजैक्शन का और अप्लाई किए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।